हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से संबंधित एक सवाल डिस्कस करेंगे। ये सवाल अक्सर बच्चे पूछते हैं, लेकिन उसका गलत आंसर अक्सर निकालते हैं। तो कैसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के इस सवाल को अप्रोच करेंगे, इसको समझिएगा। बहुत आसान सवाल है। अब सवाल ये है कि एक प्लांट स्पीशीज में हाइट को 3-2 पेयर्स ऑफ जीन्स कंट्रोल करते हैं, 2 पेयर्स ऑफ जीन्स कंट्रोल करते हैं। 2 पेयर्स ऑफ जीन्स का मतलब है कि दो जीन मिल करके प्लांट की हाइट को कंट्रोल करते हैं, और हर जीन के दो एलीलिक फॉर्म होंगे। जैसे मान लीजिए दो जीन हैं ए और बी, तो ए जीन का कैपिटल ए और स्मॉल ए दो एलील होगा, और बी जीन का कैपिटल बी और स्मॉल बी दो एलील होगा। तो इसको दो जीन पेयर कहेंगे, यानी टोटल 4 एलील। तो प्लांट में हाइट को दो जीन पेयर कंट्रोल करते हैं, ये सवाल में है। और इस प्लांट स्पीशीज में मिनिमम हाइट वाले प्लांट्स की जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है, और मैक्सिमम हाइट वाले प्लांट्स की हाइट 120 सेंटीमीटर है। तो सवाल ये है कि पॉलीजीन का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलीजीन पूछा गया है। कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलीजीन ये पूछा गया है। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा कि जो पॉलीजेनिक ट्रेट होता है, एक ऐसा कैरेक्टर जिसको एक से ज़्यादा जीन कंट्रोल करते हैं, उसमें जो डोमिनेंट एलील होता है जीन का, वही कंट्रीब्यूटिंग एलील होता है। यानी हाइट में जो इंक्रीज होता है वो डोमिनेंट एलील की वजह से होता है। प्लांट की जो मिनिमम हाइट होगी वो बेसिक हाइट होगी उस स्पीशीज़ में। यानी अगर यहाँ कहा जा रहा है कि मिनिमम हाइट 20 सेंटीमीटर है, यानी कोई भी प्लांट इस स्पीशीज का 20 सेंटीमीटर से छोटा नहीं है, और इस 20 सेंटीमीटर से ऊपर जो भी हाइट बढ़ रही है वो सब डोमिनेंट एलील की वजह से बढ़ रही है। यानी डोमिनेंट एलील ही हाइट बढ़ाते हैं, रिसेसिव एलील से हाइट नहीं बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में डोमिनेंट एलील ही हैं जो कंट्रीब्यूटिंग होते हैं, एडिटिव इफेक्ट दिखाते हैं, और जिनके वजह से हाइट बढ़ती है। तो क्वेश्चन में मिनिमम हाइट 20 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब ये प्लांट की बेसिक हाइट है, और इसमें कोई भी डोमिनेंट एलील का रोल नहीं है इस हाइट में। इसलिए इसका जो जीनोटाइप होगा वो होगा ए ए बी बी, क्योंकि 2 पेयर्स ऑफ जीन्स की कंट्रोल कर रहे हैं। तो 1 पेयर जीन ये हो गया, 2nd पेयर जीन ये हो गया, यानी चारों ही रिसेसिव एलील होंगे, और ये सबसे छोटे हाइट वाले प्लांट का जीनोटाइप होगा। जितने भी प्लांट 20 सेंटीमीटर के होंगे सबका जीनोटाइप यही होगा, ये मिनिमम हाइट है, ये बेसिक हाइट है। अच्छा, अब जो दूसरा पॉइंट दिया है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम हाइट 120 सेंटीमीटर है, यानी कि मैक्सिमम हाइट का मतलब है कि इससे ऊंचा कोई भी प्लांट नहीं है, और हाइट में इंक्रीज डोमिनेंट एलील की वजह से होता है। तो इसलिए मैक्सिमम हाइट का मतलब है कि सारे एलील यहाँ पर डोमिनेंट ही होंगे, क्योंकि जब चारों एलील डोमिनेंट होंगे तभी हाइट भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो 20 सेंटीमीटर से हाइट बढ़ के 120 सेंटीमीटर हो गई है, और इसमें डोमिनेंट एलील का ही रोल है। तो इसका जीनोटाइप हो गया कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। तो इस तरह से हम लोगों ने मिनिमम हाइट वाले प्लांट का जीनोटाइप और मैक्सिमम हाइट वाले प्लांट का जीनोटाइप पता कर लिया। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलीजीन। तो अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो गलती यही करते हैं कि अब उनको सीधे जब पता चल जाता है कि साहब मैक्सिमम हाइट वाले प्लांट का जीनोटाइप ए बी बी भी है, तो पॉलीजीन जो होता है वो डोमिनेंट एलील को कहा जाता है। यानी हर डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन क्या है, इसका मतलब ये है। तो आपने देखा कि 4 डोमिनेंट एलील की वजह से हाइट कितनी हो रही है, 120 सेंटीमीटर। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि 120/4 कर देते हैं, क्योंकि 4 डोमिनेंट एलील मिलके काम कर रहे हैं, और आंसर आ जाता है 30 सेंटीमीटर। तो बच्चे कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलीजीन जो है वो 30 सेंटीमीटर हुआ, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर हर डोमिनेंट एलील जो बच्चे सब आंसर निकालते हैं वो ये निकालते हैं कि हर डोमिनेंट एलील 30 सेंटीमीटर कंट्रीब्यूट कर रहा है,
तो चार बार 30 जोड़ेंगे, 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, तो वो कितना आ गया, 120 सेंटीमीटर आ गया। तो सिंपली बच्चों को लगता है कि यही आंसर होना चाहिए। जी नहीं, ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्लांट का हाइट 20 सेंटीमीटर तो बिना डोमिनेंट एलील के रहता है, यानी जब कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं है तब हाइट 20 सेंटीमीटर है। तो 20 सेंटीमीटर से जो ऊपर हाइट बढ़ेगी उसमें डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन होना शुरू होगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो मैक्सिमम हाइट है प्लांट की, दैट इज 120 सेंटीमीटर, इसमें से 20 सेंटीमीटर हाइट तो बिना डोमिनेंट एलील के वजह से है। तो इस वजह से 20 सेंटीमीटर से ऊपर जो हाइट होगी वो सिर्फ 100 सेंटीमीटर होगी। यानी ये जो 100 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, हाइट इंक्रीज हो रहा है 20 के ऊपर, उसके लिए डोमिनेंट एलील जिम्मेदार है। तो इसलिए डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन जो होगा वो 100/4 होगा, यानी कि हर डोमिनेंट एलील के तरफ से 25 सेंटीमीटर का कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलीजीन 30 सेंटीमीटर ना होकर के 25 सेंटीमीटर होगा, और यही आंसर है। अब अगर कोई भी जीनोटाइप दे दे इस तरह के क्वेश्चन में, तो आप बता सकते हैं कि उसका हाइट क्या होगा। मान लीजिए एक जीनोटाइप ये दिया हुआ है, तो इस तरह के जीनोटाइप के प्लांट का हाइट क्या होगा? तो आपको मालूम है कि जो मिनिमम हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है, इससे कम तो हाइट होगी नहीं इस प्लांट स्पीशीज में, तो 20 सेंटीमीटर तो होगा ही होगा। प्लस इसमें जितने डोमिनेंट अलील होंगे उनके कंट्रीब्यूशन आप जोड़ते जाएंगे। अब इसमें सिर्फ एक डोमिनेंट अलील दिख रहा है, तो इसमें 25 सेंटीमीटर इसके वजह से और बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब इस प्लांट का हाइट हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। तो कैपिटल ए, स्मॉल बी जीनोटाइप वाले प्लांट का जो हाइट होगा वो 45 सेंटीमीटर होगा। और कोई भी ऐसा जीनोटाइप जिसमें एक डोमिनेंट एलील हो, जैसे मान लीजिए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी है, तो इसमें भी आप देखेंगे कि एक ही डोमिनेंट एलील है, तो इसका भी मिनिमम हाइट तो 20 सेंटीमीटर होगा, प्लस इस डोमिनेंट एलील के वजह से 25 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगा, तो ये भी 45 सेंटीमीटर हाइट का होगा। तो आप कह सकते हैं कि जीनोटाइप कोई भी हो उसमें नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील को आप कंसीडर करके बता देंगे कि प्लांट का हाइट क्या होगा। तो है ना अमेजिंग।